Subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geeky Show. दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बोट के एयरडोप्स ब्लूटूथ ईयरफोन की अनबॉक्सिंग। ये जो ईयरफोन है वो मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से 3000 रुपीज़ में, और मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि ये जो ईयरफोन्स हैं वो 3000 रुपीज़ के अंडर के बेस्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं कि शुभ चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये है हमारा बोट का ब्लूटूथ एयरडोप्स ट्विन वायरलेस ईयरबड्स हैं। फ्लिप द गेम आप देख सकते हैं, बॉक्स पर लिखा हुआ है। इस साइड में आप देख सकते हैं ब्लूटूथ बोट लिखा हुआ है। इस साइड में आप देख सकते हैं नीचे की साइड में प्राइसिंग वगैरह दी हुई है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट वगैरह दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। साइड में बोट लिखा हुआ है। पीछे के साइड में आप देख सकते हैं सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। ट्रू वायरलेस एक्सपीरियंस 5.0, 4 आवर्स का साउंड पर चार्ज, हाईटेक डिज़ाइन, 7mm के ड्राइवर्स, IPX5 की स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस, वॉइस असिस्टेंट, 500mAh का आपको चार्जिंग केस मिल जाता है, 4 बार चार्ज कर सकता है ईयरफोन्स को, हैंड फ्री कम्युनिकेशन, स्टेरियो कॉलिंग और आईफोन्स के लिए बैटरी इंडिकेटर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये सारे फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स और फिर मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं वो दिखाता हूँ। ये हमारी नई नाइफ जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेशली अनबॉक्सिंग के लिए बाई की है, और इससे हम करेंगे इसको अनबॉक्स, सील्स को ब्रेक कर लेते हैं नाइफ से ही, और उसके बाद मैं इस बॉक्स को खोल करके आपको सभी चीज़ें इसमें क्या क्या मिलते हैं वो दिखा देता हूँ। नाइफ को रख देते हैं साइड में, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स एम्प्टी है और कुछ है नहीं, सारी चीज़ें हमने बाहर निकाल ली हैं। ये सबसे ऊपर आपको मिल जाता है ब्लूटूथ के एयरडोप्स, इसको हम रख देते हैं साइड में। ये हमारा असली मटेरियल है, इसको लास्ट में देखेंगे। प्लग विथ निर्माणा लिखा हुआ है, बड़ा हैवी चीज़ लिखा है। नीचे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है बोट मुंबई इंडियंस की फ़ोटो जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, और ये एक कैटलॉग टाइप का है। सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे क्या क्या मिलता है वो सब लिखा हुआ है, हटा दीजिए साइड में। मैनुअल गाइड मिल जाता है, इससे आप सेटअप करना जान सकते हैं, कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे सेटअप नहीं करना है मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। 1 ईयर की आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है, ये वारंटी कार्ड है उसका। ये मिल जाता है आपको वायर चार्ज करने के लिए अपने ब्लूटूथ एयरडोप्स को। ये आपको मिल जाता है कपल ऑफ ईयरबड्स ईयर साइज़ के हिसाब से, और कुछ भी नहीं मिलता, बस खाली है। अब हम देख लेते हैं अपने स्पेशल चीज़ को जो कि है हमारा ब्लूटूथ बोट एयरडोप्स प्लग विथ निर्वाणा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है नीचे चार्जिंग पोर्ट, इसके सबसे नीचे चार्जिंग पोर्ट है, तो यहाँ पर आप लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर लुक एंड फील की बात की जाए तो मैट फिनिश है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, आप देख पा रहे होंगे कैमरे से भी समझ में आ रहा होगा। और ये आपको नीचे मिल जाते हैं ईयरफोन्स, इन ईयरफोन्स को ही आप ईयर में लगा सकते हैं, राइट लेफ्ट इस पर इंडिकेटर बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका चार्जिंग केस है, वहाँ पे चार्जिंग पिन्स वहाँ पे बने हुए हैं, और ये जो आपको बीच में बटन टाइप का दिखता है ये बटन नहीं है, इसको दबाने की कोशिश मत करिएगा, ये आपका इंडिकेटर है, जब कि आप चार्ज में लगाएंगे तो ये लाइट करेगा और ब्लू कलर की लाइट जलती है इसमें चार्जिंग इंडिकेट करने के लिए। तो कुल मिला जुला करके ये है, ये आपके ईयरफोन्स मिल जाते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है। बोट का आपको इस पर लोगो मिल जाता है, टच कैपेसिटिव बटन्स आपको दोनों ही ईयरफोन से मिल जाते हैं, देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक है और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखने में ये एक प्रीमियम लुक देता है। 3000 रुपये आपने खर्च भी किया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एयरडोप्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी सुंदर लगती है और काफ़ी सही लगती है। अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ, बहुत ही ईजी है, अपने ब्लूटूथ को ऑन करेंगे डिटेक्ट कर लेगा और उसको आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा जो कि बॉक्स पर और मैनुअल गाइड में हर जगह साफ साफ लिखा हुआ है, वो ये है कि आप इसको रीसेट कर लीजिएगा, फैक्ट्री रीसेट, यानी पहले आप इसको फुल चार्ज कर लीजिएगा चार्ज में लगा करके, उसके बाद इसको आप दोनों ईयरबड्स को ऊपर से आप प्रेस करके, जो कैपेसिटिव बटन से उनको प्रेस करके आप दबाए रखिए और उसको आप 10 सेकंड तक दबाए रखिए, उसके बाद ये अपने आप फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। जब फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा तभी आप इसको यूज़ करना चालू करिए, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, मैनुअल गाइड में लिखा हुआ है, हर जगह ये बात साफ साफ कही गई है। तो कुल मिला जुला करके आप
इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो इस ईयरफोन को मैं लगभग एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और एक हफ्ते तक यूज करने के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जो कि है इसका रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी प्रीमियम लगी, काफी अच्छी लगी। 3000 रुपए का ईयरफोन के हिसाब से, ब्लूटूथ ईयरफोन के हिसाब से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है, मतलब पैसा वसूल है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। अगर देखा जाए तो लुक के हिसाब से देखा जाए तो काफी सुंदर लगता है। हाँ, पॉकेट में रखने पे आपको थोड़ा बल्जी फील होता है क्योंकि थोड़ा ये मोटा है, अदरवाइज देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूजिक वगैरह में इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो म्यूजिक की बात की जाए, मूवीज देखने की बात की जाए, तो एक अच्छा आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। ऑडियो की अगर बात की जाए तो ये 7mm के ड्राइवर्स वाकई में एक अच्छा काम करते हैं आपको ऑडियो आउटपुट देने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बेस इसमें आपको मिल जाता है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ईयरफोन्स में कि वो अच्छा बेस नहीं दे पाते, लेकिन इसमें आपको एक अच्छा खासा बेस देखने को मिलता है और ऑडियो क्वालिटी आपको मूवीज और म्यूजिक के लिए बहुत ही अच्छी है। बात करते हैं कॉल की। तो कॉल्स के दौरान एक प्रॉब्लम आपको समझ में आती है कि आपको ऑडियो तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन दूसरे की तरफ जो ऑडियो जाती है यानी जो आप बोलते हो, जो दूसरे को सुनाई देता है, वो काफ़ी दूर से सुनाई देता है। ऑब्वियसली ईयरफोन आपके कान से दूर है तो दूर से तो आवाज़ आएगी ही, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे बहुत ही एकोइस्टिक साउंड सुनाई देता है, इको आता है। मतलब कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो तो ऐसा लगता है कि दूर से आवाज़ आ रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर आप इसको कॉलिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करोगे, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ोर ज़ोर से बात करनी पड़ेगी ताकि प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग की। चार्ज इसको होने में लगभग एक से डेढ़ घंटा लगता है, पूरी तरीके से ये फुल चार्ज होता है, 0 से 100 पूरा ये चार्ज हो जाता है एक घंटे के डेढ़ घंटे के अंदर में। अब दोस्तों बात कर लें इसके यूजेबल की, कितना देर तक ये चलता है। इसको नॉर्मल यूज़ करते हैं, मतलब कॉल्स वगैरह के लिए, थोड़ा बहुत म्यूज़िक, थोड़ा बहुत मूवीज़, थोड़ा बहुत कुछ भी, मतलब नॉर्मल यूज़ अगर आपका है तो आप आराम से इसको डेढ़ दिन तक चला सकते हैं, क्योंकि जो इसका केस है वो लगभग 4 बार आपके ईयरफोन को चार्ज कर सकता है। तो कुल मिला जुला करके एक अच्छा पैकेज आपको इसमें मिलता है इस ईयरफोन की बात अगर की जाए तो, क्योंकि 4 बार इसको आप चार्ज कर सकते हैं, एक ईयरफोन को आप 1 बार यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो पूरे दिन क्या 2 दिन आराम से इसको चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप केवल एक ईयरफोन यूज़ करते हैं एक बार में तो आपका एक ईयरफोन ऑलरेडी चार्ज रहेगा, और जब दूसरा आपका डिस्चार्ज जाएगा तो फिर आप दूसरा निकाल के लगा सकते हैं। फिर उसको मतलब कुल मिला जुला के आप 8 टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप सिंगल ईयरफोन्स को यूज़ करें तो। तो एक अच्छा ईयरफोन आपको मिल जाता है 3000 रुपए के अंडर में। नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, रिकमेंडेड है अगर आप एक ब्लूटूथ ईयरफोन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके इस बोट एयर डोप्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।